हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज को जो वीडियो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गाला का कंपैरिजन है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जो ये 7200 की एलिवेशन है जहाँ पे मैं हूँ मत्याना में इस वक्त, तो यहाँ पे तीन टाइप के जो गालाज लगे हुए हैं, शनिको एंड मेमा गाला और डार्क बैरन गाला। इन तीनों का मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा कि किसकी परफॉर्मेंस कलर वाइज ग्रोथ वाइज सबसे अच्छी है। और सबसे मेन बात है, इसमें अभी तक ड्रिप इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये लास्ट ईयर के प्लांट किए गए ट्रीज़ है, लेकिन ये मॉइस्चर वाली लैंड है, शेडी शेडी लैंड है, तो यहाँ पे जो फ्रूट का साइज़ है वो काफ़ी बेहतरीन है विदाउट एनी इरीगेशन। और इसमें जो भी खादें डली है वो मोस्टली मैनुअली डली है। और अगर मैं आपको ये जो मेरे सामने अभी आप देख पा रहे हो ये शिनिको रेड है, तो अगर इसका साइज़ दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल, और कलर भी इसमें पूरा आ चुका है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है अगर एक हिसाब से देखा जाए तो। बिल्कुल इसका जो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के आसपास ये साइज पहुँच चुका है अभी, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतरीन लगी है साइज वाइज। ये देखिए स्मॉल, ये देखिए कलर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो 2-2.5 फीट के आसपास की ग्रोथ इसमें पहुंच चुकी है। अगर कैनोपी की हाइट की बात करूं तो 9 से 10 फीट के आसपास इसकी कैनोपी पहुंच चुकी है। ये भी सेम आपका गाला वैरायटी जो शिनिको रेड है, इसका जो साइज़ परफॉर्मेंस है वो बहुत ही लाजवाब इस एलिवेशन पे। ये देखिए स्मॉल, मोस्टली स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल इसका जो फ्रूट है वो पहुंच चुका है। साइज़ और ग्रोथ दोनों काफ़ी अच्छी है, तो लास्ट ईयर के प्लांट से तो इसमें 18 से 20 फ्रूट्स इसमें रखे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके बाद मैं आपको डार्क बैरन और मेमा गाला भी दिखाऊँगा। और ये जो वैरायटी है ये है मेमा गाला, ये भी लास्ट ईयर के ट्रीज़ यहाँ पर लगाए गए हैं, तो इसका जो ग्रोथ है और जो साइज़ परफॉर्मेंस है वो भी शिनिको रेड की तरह काफ़ी अच्छी है। इसका जो साइज़ और कलर है वो बहुत बेहतरीन है। आज 19 जुलाई है आज, तो ये देखिए काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस विदाउट एनी ड्रिप इरीगेशन। ये देखिए साइज मोस्टली स्मॉल है और ग्रोथ भी लगभग इसकी 1.5 से 2 फुट के आसपास है, कहीं 2.5 फीट भी है। कैनोपी 9 से 10 फीट के आसपास पहुंच चुकी है, लेकिन जो कलर है वो काफ़ी शानदार है। तो एक चीज़ इन दोनों में ये भी है कि इनकी ग्रोथ और साइज सिमिलर है और कलर भी इनका सिमिलर है, कलर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इनको आप मिक्स भी भरना चाहो तो शायद इसमें कंपैरिजन करना टफ रहेगा, कोई इसको नहीं बता पाएगा कि ये आपका मेमा मिस्टार है या शनिको, मेमा मिस्टार नहीं सॉरी मेमा गाला है या शनिको रेड है। तो इन दोनों का जो ग्रोथ है और फ्रूट साइज़ की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है। और ये अगर मैं दिखाऊं, ये मेमा मिस्टार है, ये लास्ट ईयर का लगा है, इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे स्मॉल मीडियम एक्स्ट्रा स्मॉल तक के यहाँ पे फ्रूट है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा कलर हल्का सा भी 10 दिन की अभी इसमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उतना ब्लशिंग एक साइड से थोड़ा सा जो अंदर वाली साइड है उसमें अभी उतना अच्छा कलर नहीं आया, थोड़ा सा हल्का सा भी एक कलर इम्प्रूव होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर साइज़ की बात करें तो मीडियम से लेकर स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल तक के इसमें फ्रूट्स बन चुके हैं। ये देखिए
फ्रूट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, शानदार, कोई रस्टिंग नहीं है। ग्रोथ परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है। ये देखिए 9 से 10 फीट के आसपास कैनोपी पहुंच चुकी है। कुछ एक ट्रीज, एक दो ट्रीज थोड़ा कम है, लेकिन वो तो रहता ही है, एक दो पेड़ किसी की ग्रोथ कम रहती है, लेकिन मोस्टली अगर मैं दिखाऊं आपको तो सबकी हाइट जो है वो 9 से 10 फीट के आसपास पहुंच चुकी है। और मेन है फ्रूट साइज एंड कलर काफ़ी अच्छा है। कलर के लिए हमें थोड़ा इसमें 10 दिन और वेट करना पड़ेगा। अगर हम गाला की बात करें, गाला बिल्कुल तैयार हो चुका है अभी, साइज़ वाइज भी और कलर वाइज भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैमा स्टार को अभी हम 8 से 10 दिन अभी और वेट करना पड़ेगा ताकि इसमें और अच्छा कलर आए। ये फ्रूट्स डार्क वरन गाला के हैं, लेकिन अगर डार्क वरन गाला का जब अगर फ्रूट देखोगे आप, तो शनिका और मैमा की तरह अच्छा कलर है, साइज़ भी काफ़ी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये तीनों गाला देखने में सेम सेम है, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है कलर वाइज। और आपका जो साइज़ है, फ्रूट साइज़ है, इसमें भी स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल के आसपास आपका फ्रूट साइज़ बन चुका है। लेकिन डार्क बैरन का जो सबसे बड़ा इशू है वो है ग्रोथ का। इसमें ग्रोथ आप खुद देख सकते हो, मैमा गाला और शनिको रेड में, जहाँ कैनोपी 9 से 10 फीट के आसपास पहुँच चुकी है, लेकिन यहाँ की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम है। इन ट्रीज़ को आप देख पा रहे हो तो बहुत ही, और सेम ही लोकेशन पे ये लगे हैं। यहाँ कॉर्नर में लास्ट में मैमा गाला है और यहाँ साथ में डार्क बर्न गाला है, तो यहाँ पे इसमें जो सेम क्लाइमेट में जिस तरह से मैमा गाला और शनिको रेड परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये डार्क बैरन गाला उतना ग्रोथ वाइज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर फ्रूट की बात की जाए, फ्रूट साइज और कलर में कोई कमी नहीं है, लेकिन इन तीनों में फ्रूट्स का कंपैरिजन किया जाए तो सब में सिमिलर है, कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है। कलर सबका सेम सिमिलर सा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है वो है ग्रोथ का। शनिको और मैमा गाला की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो डार्क बैरन गाला है उसमें ग्रोथ काफ़ी कम है उन दोनों के मुकाबले। तो मेन है कलर, कलर इन तीनों का सेम है, तो आप किसी भी वैरायटी पे जा सकते हो। अगर आपको ग्रोथ अच्छी चाहिए तो मैमा गाला और शनिको रेड मेरे हिसाब से अच्छा लगा है मुझे एज ए परफॉर्मेंस। ग्रोथ वाइज अगर परफॉर्मेंस देखी जाए, फ्रूट क्वालिटी तीनों की सेम है, किसी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कलर इनका सिमिलर है, इनको आप मिक्स भी भर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप इनको मिक्स भर के भी मार्केट में भेजोगे तो गाला नाम की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि डार्क बैरन है या शनिको रेड है या डिलीशियस की तरह। ये भी जैसे कलर स्ट्रेन, अच्छा कलर इनमें आ रहा है, तो इनको आप मिक्स भर सकते हो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो शनिको रेड और मैमा गाला की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी फ्रूट कलर एंड फ्रूट साइज़ तीनों का सेम है, जो मैंने यहाँ पे इस ऑर्चर्ड में ऑब्ज़र्व किया है। थैंक यू।